रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के कराड़ में संकटग्रस्त कराड़ जनता सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्र बैंक ने यानी सेंट्रल बैंक ने पर्याप्त पूंजी नहीं होने और बैंक की आमदनी यानी इनकम से जुड़े भविष्य की कमजोर संभावनाओं को देखते हुए ये फैसला किया है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले नवंबर 2017 में ही कराड़ जनता सरकारी बैंक पर रिजर्व बैंक ने कुछ पाबंदियां लगाई हुई थी। RBI ने कहा है कि लाइसेंस रद्द हो जाने के बाद से ही अब बैंक पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक का लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी दिया था। RBI के मुताबिक सेक्शन 22 के नियम के मुताबिक बैंक के पास अब पूंजी और कमाई की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब बैंक को चालू रखना डिपॉजिटर के हित में नहीं है। मौजूदा स्थिति में बैंक अपने डिपॉजिटर को पूरा पैसा नहीं दे पाएगा। दोस्तों साथ ही सेंट्रल बैंक ने साफ कर दिया है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी 99% डिपॉजिटर को उनका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। DICGC एक्ट 1961 के तहत डिपॉजिटर को बैंक के लिक्विडेशन पर 5 लाख रुपए तक की रकम वापस मिल जाएगी। इसलिए 99% डिपॉजिटर को बैंक में अपनी पूरी पूंजी वापस मिल जाएगी। RBI ने कहा है कि बैंक के लाइसेंस को रद्द करने और लिक्विडेशन की कार्रवाई शुरू करने के साथ ही डिपॉजिटर को पैसा लौटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।